समझदार श्रोता तो जो सुनता है संगीत ज़्यादा देर तो वही समझदार बनता है ना धीरे धीरे, तो वो सुनता ही नहीं संगीत तो उनको पॉपुलर मीडिया जो है वो क्लासिकल म्यूज़िक को टेलीकास्ट ही नहीं करता, उनके कानों में पड़ता ही नहीं है, और जो पड़ता है वो थोड़ी देर पड़ता है, तो वो उतने इतने गहरे रसिक श्रोता नहीं बन पाते। तो ये पॉपुलर म्यूजिक तो ऐसा थोड़ी देर चलता है फिर ये हो जाता है बंद हो जाता है, उसका कोई मन के ऊपर या आपके हृदय पर उसका कोई परिणाम ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो सकता है। पंडित जी आपके बारे में जो एक परसेप्शन है, जब हम लोग आपके कार्यक्रमों को देखने गए तो आसपास जो संगीत के बड़े जानकार जो लोग थे जिनसे मैंने सुना जिन्होंने ये कहा कि पंडित जी मुश्किल चीज़ें गाते हैं, मुश्किल चीज़ों से मतलब ये नहीं कि समझ में आने में मुश्किल बल्कि वो मुश्किल चीज़ें जो गायकी के लिहाज से मुश्किल हैं, तो ये क्या इसके पीछे की कहानी क्या है, क्या मिस्ट्री है, ये मुश्किल गायकी से क्या रिश्ता है? हाँ मुश्किल चीज़ें इसलिए समझ में आता है, मतलब ये है कि ये अष्टांग गायकी है जी, इसमें सब गायकी के अंग आते हैं, तो उनका प्रदर्शन करने में शायद वो महसूस करते हैं कि ये मुश्किल चीज़ें हैं,